सामने देख रहे होंगे ये आपका काशी विश्वनाथ द्वार, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और इस साइड देखिए आपका नाश्ता पानी का दुकान है। ठीक दोस्तों, यही विश्वनाथ गली होते हुए आप काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चले जाएंगे गेट नंबर 1 के लिए, और यह जो रास्ता ये सीधे आपका चला जाएगा गोदौलिया चौराहा के लिए। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ काशी विश्वनाथ द्वार से आपका दशाश्वमेध घाट तक के नज़ारे। और यह सुबह का समय है, सुबह के समय देखेंगे यहाँ पर आपका दो पहिया वाहन और रिक्शा अलाउ नहीं है, लेकिन शायद प्रशासन की खामियां या फिर किसी कारणों से ये देख रहे हैं, एक लाइन से देखिए ये पार्किंग एरिया बना दिया गया है, यानी जो मल्टी लेवल जो पार्किंग है वो पूरी तरह से यानी कि अनसक्सेज है। ये देख रहे हैं इस साइड आपका रिक्शा है और ये है पार्किंग एरिया, ये देख रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ों का भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ तक गाड़ी अलाउ नहीं करना चाहिए। ये देख रहे हैं ये एक लाइन से पूरा आपका गाड़ी खड़ा है, जिसकी वजह से ये देखिए ये लोग भी जा रहे हैं अंदर और उसकी वजह से जाम भी लग रहा है। और इसी प्रकार का देखेंगे तो आपका उस साइड यानी चलिए आपको लेकर चलते हैं उधर भी दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं ये एक लाइन से आपका रिक्शा खड़ा है। ये आपका है दशाश्वमेध सब्जी मार्केट। कार यहाँ पर चल रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पर कद्दू का आपका पत्ती भी दिखता है, यानी कि जो अपने वाराणसी के किसी और सब्जी मार्केट में जो सब्जियाँ नहीं मिलेंगी ये यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि मैं दिखाया अभी, देखे जो कद्दू होता है उसका पत्ती मतलब जो फुनगी नहीं होता है वो थोड़ा नरम रहता है, तो उसका भी साग बनाकर खाया जाता है। इसमें देखिए जामुन का सीजन आ गया है, आपको मार्केट में जामुन आम मिल जाएगा। इस साइड आपका है दशाश्वमेध प्लाजा, ये देख रहे हैं लगभग बनकर तैयार हो चुका है और छोटा मोटा ही काम बचा हुआ है। ये देखिए मीठी नीम की पत्ती, ये देखिए बीच में ही आपका दो पहिया वाहन खड़ा है, यानी ये डिवाइडर का काम किया जा रहा है, यानी कि दाहिने साइड से गाड़ी आने जा रही है, बाएं साइड से भी गाड़ी आने जाने के लिए। वैसे देखा है तो अपने गोदौलिया पर कई सारा आपका पार्किंग भी है, देख रहे हैं। इस साइड देखिए गंगा जल आपका लेने के लिए जल में बिक रहा है। सामने देख रहे हैं ये दशाश्वमेध घाट है और उस साइड भी आपका भीड़ है।
चलिए सीढ़ियों के माध्यम से उतरते हैं हम लोग नीचे। ठीक है, जैसे ही उतरेंगे वो दाहिने साइड में ये देख रहे हैं, ये आपका है मंदिर, शीतला मंदिर। और ये देखिए जो बिक रहा है, यानी शादी विवाह जब होता है हो जाता है, ये देख रहे हैं जब गंगा पूजा होता है, यानी कि इस साइड से जो रस्सी काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है, यानी इस साइड से पूरा उस साइड मनौती माना रहता है, तो उसी वजह से इसे छोड़ा जाता है गंगा नदी में। ये देखिए इसका जाने का रास्ता इस साइड से है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहा है दशाश्वमेध घाट पर, ये देख रहे हैं। और इस साइड जाने पर इस साइड आपका है अहिल्याबाई घाट। चलिए ये तो थोड़ा सा क्षेत्र था, अभी आपको और घुमा देते हैं दशाश्वमेध घाट। ये देखिए प्रयाग घाट ये है। इस साइड आपका सामने है श्री शूल टंगकेश्वर महादेव मंदिर, और ये बगल में है हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही प्यारा। ये देख रहे हैं प्रयाग रहा है, अरे प्रयाग घाट पार करने के बाद आपका आता है दशाश्वमेध घाट। ये देखिए दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर देखिए गंगा आपका पूजा हो रहा है। तो यानी ऐसे ही करके यहाँ के जो पंडाल लोग हैं, थोड़ा इन लोग का भी कमाई हो जाता है। और देखिए सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाने पर ना आपका गंगा मंदिर है, यहाँ पर देखिए एक LED स्क्रीन लगा हुआ है, यह शाम के समय चालू होगा जब गंगा आरती आपका लाइव दिखाया जाएगा। यानी इतना ज़बरदस्त भीड़ रहता है ना, पूरा ऊपर सीढ़ी तक पूरा भीड़ रहता है, खड़े होकर देखना पड़ता है गंगा आरती। कृपया ध्यान दें, कुमारी रेखा, पिताजी का नाम श्री रमेश चंद। देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ नहीं, हमको लग रहा है यहाँ पर कोई खो गया होगा। देखिए औड़ियार आने वाली है, इस आवाज को सुन रहे हैं तो जल पुलिस पर आ जाए। कुमारी रेखा जो बुकलापुर औड़ियार की रहने वाली है, इस आवाज को सुन रही है तो जल पुलिस के पास आ जाए। चलिए इस साइड से हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इस साइड का पत्थर काफ़ी दिनों से उखड़ा है, अभी तक लगा नहीं, देखिए लगता भी है कि इसी तरह छूटा रहेगा। इस साइड देखिए आपका है चेंजिंग, लेडीज चेंजिंग रूम बना हुआ है आपका, हर एक घाट को दिखाया है, कई कई जहाँ पर स्नान होता है वहाँ पर आपका लगा रहेगा और अन्य घाटों पर नहीं। ये देखिए अभी मैं पहुँच चुका हूँ आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर, सामने भी आपका LED स्क्रीन लगा हुआ है, ये भी आपका चालू होता है उसी समय शाम के समय। ये देख रहे हैं ये है आपका सीवेज पंपिंग स्टेशन राजेंद्र प्रसाद घाट पर बना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।
और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।